चंपारण जिले में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर, किशोरी से दुष्कर्म कर जिंदा जलाया, गाछी में फेंका शव, सिंगिया थाना क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक में टी शर्ट पहनकर संस्थान में पहुंचने पर छात्रों के साथ बंद कमरे में की गई रैगिंग, विरोध करने पर फोड़ा सर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जाएगी दोषियों की पहचान। मुंगेर से भाया खगड़िया हथियार और कारतूस मंगवाता था भूषण यादव और उसके गिरोह के सदस्य, पुलिस की पूछताछ से में हुए कई बड़े खुलासे। टिकट बंटवारे में भूमिहार ब्राह्मण समाज को अहमियत नहीं दिए जाने पर नाराज बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने पार्टी के नेतृत्व में कर दिया बगावत, कहा भाजपा भूमिहार ब्राह्मण समाज को बंधुआ मजदूर नहीं समझे। वीआईपी पार्टी ने मधुबनी सीट से अपने प्रत्याशी का किया ऐलान, पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने बताया कि मधुबनी लोकसभा से वीआईपी पार्टी के टिकट पर इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे प्रत्याशी होंगे। पटना टीएम के आदेश पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खास भूषण सिंह के हथियार का लाइसेंस रद्द। बक्सर में दूसरी बार किस्मत आजमा रहे बीजेपी नेता स्वनी चौबे की सभा में विपक्ष से बड़ा मुद्दा बना कोर्ट कचहरी का, न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेतिया, युवक को हिरासत में लेने गए ग्रामीण हुए आक्रोशित, पुलिस टीम पर हमला, थानेदार सहित कई घायल, बेतिया के इनरवा का मामला। मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह कल करेंगे नामांकन, मीरा मुखिया के नेतृत्व में ताल से हजारों की संख्या में जुटेंगे लोग।